फ्रेंड्स, कल बाजार ने शानदार क्लोजिंग दी है और आगे अब संभावना कैसी बन रही है? क्या बाजार में यह तेजी का दौर जारी रहेगा या फिर गिरावट हो सकती है? और जिस तरह से मार्च के महीने में अपडाउन का माहौल चला, क्या अप्रैल के अंदर भी यही चलेगा या फिर यहाँ से बड़ी तेजी की संभावना बन रही है? तो इसके लिए हम रिसर्च एनालिस्टों की राय जानेंगे और निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और इस समय क्या निवेश किया जा सकता है और कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए और उनकी बेस्ट पिक कौन सी है जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सिस सिक्योरिटी की तरफ से बाजार के बारे में अपनी राय दी जा रही है और उनकी तरफ से कुछ शेयर सजेस्ट किए जा रहे हैं जिनमें आप निवेश करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथ में एडलवाइज की तरफ से भी बहुत सारे शेयर आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं और उनकी तरफ से सेक्टर बताए जा रहे हैं जिस सेक्टर में आप निवेश करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से इन सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी की बूम बनने वाली है। तो एक एक करके हम उन सेक्टर को डिस्कस करेंगे, पूरी न्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको निवेश करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आप अपने हिसाब से अच्छे से निर्णय भी ले पाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 में इक्विटी मार्केट के लिए मजबूती के साथ बंद हुआ है। इस साल सभी सेक्टर हरे निशान के साथ में बंद हुए। एक्सिस सिक्योरिटी ने हाल ही में अपनी कमेंट्री में कहा है कि अपनी टॉप पिक्स में कुछ हम बदलाव करने जा रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस ने अपनी टॉप पिक्स में SBI, इक्विटाइज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ACC, कैमलिन फाइन साइंस और मिंडा कॉरपोरेशन को जोड़ा है। वहीं उन्होंने नोसिल, मनुपुरम और इंडोरेंस कैन फाइन होम्स और JK लक्ष्मी सीमेंट में उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। एक्सिस सिक्योरिटी की राय है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के वैल्यू स्टॉक अहम थीम बनेंगे और सामान्य तौर पर हायर अर्निंग ग्रोथ के दौर में मिड और स्मॉल कैप शेयर मजबूत अर्निंग ग्रोथ दिखाते और लार्ज कैप से बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए दिखेंगे। इकोनॉमी में व्यापक रिकवरी के साथ नए साल में वैल्यू स्टॉक में अच्छी कमाई होने की संभावना है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ का मानना है कि दिसंबर तक निफ्टी 17,200 का स्तर दिखा सकता है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2020 में IT शेयर भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देंगे, क्योंकि इस सेक्टर में बुनियादी स्थितियाँ मजबूत बन चुकी है। चौथी तिमाही के नतीजों पर अपनी कमेंट्री में एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने कहा है कि चौथी तिमाही में लो बेस का फायदा मिलेगा, लेकिन हमें मार्जिन पर नज़र रखनी होगी। चौथी तिमाही में IT और मेटल्स कंपनियों के नतीजे बेहतर रह सकते हैं। इसके अलावा चौथी तिमाही में मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के अर्निंग पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि यह वित्त वर्ष 2022 के लिए बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। एक्सिस सिक्योरिटीज़ का कहना है कि ऑटो सेक्टर ने नए वित्त वर्ष के लिए काफ़ी अहम रोल अदा करेंगे। अभी हमें इस सेक्टर के मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। सेक्टर के दिग्गज मारुति और हीरो को इन्वेंट्री के चलते दबाव का सामना करना पड़ सकता है और इस विश्लेषण के आधार पर ICICI सिक्योरिटीज़ की ICICI बैंक, SBI, इक्विटाइज, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, भारतीय एयरटेल, HCL टेक, टेक महिंद्रा, वरुण बेवरेजेस और रिलैक्सो फुटवेयर्स, अंबर इंटरप्राइज, कैमलिन फाइन साइंस और मिंडा इंटरप्राइज इंडस्ट्रीज, स्टील स्ट्रिप व्हील्स, लुपिन और ACC लिमिट में आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। तो इन शेयरों पर आपको खास ध्यान रखना चाहिए, आने वाले समय में ये आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। और फ्रेंड, साथ में IT कंपनियों के लिए भी काफ़ी राय दी जा रही है। एडलवाइज की तरफ भारतीय IT सेक्टर पर अपनी राय रखते हुए एडलवाइज रिसर्च ने कहा है कि चौथी तिमाही में IT कंपनियों के रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे। चौथी तिमाही में IT कंपनियों के गाइडेंस, मार्जिन के आंकड़े, आउटलुक सबसे उम्मीद से बेहतर हो सकते हैं। चौथी तिमाही में IT के ऑर्डर बुक, आय, मार्जिन में चौतरफा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एडलवाइज का कहना है कि ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ आए बड़े शिफ्ट की वजह से क्लाउड और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है और एडलवाइज का अनुमान है कि अगले 5 साल में IT इंडस्ट्रीज की मार्जिन में कोरोना पूर्व स्थिति की तुलना में 300 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लोअर कैपेक्स और फैसिलिटी स्पेंड्स में आई कमी की वजह से EBITDA और EBIT के बीच का अंतर भी कम होगा। एडलवाइज का अनुमान है कि चौथी तिमाही में IT कंपनियों के कॉन्स्टेंट करेंसी रिवेन्यू ग्रोथ में तिमाही आधार पर 1.5 से लेकर 5.2% की तेजी देखने को मिल सकती है। चौथी तिमाही में TCS रिवेन्यू ग्रोथ के मामले में पहले पायदान पर रहेगा और तिमाही के आधार पर इसकी रिवेन्यू ग्रोथ 4.8% तक रह सकती है। वहीं इसी अवधि में इन्फोसिस की रिवेन्यू ग्रोथ 4.1% के हिसाब से रह सकती है। HCL टेक्नोलॉजी की रिवेन्यू ग्रोथ 3.5% रह सकती है और विप्रो की 3.1% की फीसदी रह सकती है और टेक महिंद्रा की रिवेन्यू ग्रोथ 1.5% की रह सकती है। एडलवाइज को उम्मीद है कि इन्फोसिस और HCL टेक के
फाइनेंशियल ईयर 2022 के क्रमशः 13 से लेकर 15% और 12 से लेकर 13% रिवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दे सकती है। एडिलवाइज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में लार्ज कैप आईटी कंपनियों डॉलर की आय में 2-6% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एडिलवाइज की निवेश वरीयता की सूची डालें तो इनमें उन्होंने इन्फोसिस, HCL टेक, TCS पहले पायदान पर आते रखे हैं और उनके बाद में टेक महिंद्रा, माइंडट्री, लार्सन एंड टोब्रो, इन्फोटेक, L&T टेक सर्विस और इक्लेक्स और परसिस्टेंट और साइंट का नंबर भी आता है और इन कंपनियों में भी निवेश की सलाह दी जा रही है उनकी तरफ से। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इस समय IT सेक्टर में निवेश करना चाहिए क्योंकि कोरोना काल की वजह से बहुत सारे कारोबार ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए और इस सेक्टर में प्रचुर मात्रा में संभावनाएं हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छी इनमें तेज़ी देखने को भी मिलेगी और इनके रिजल्ट में भी बहुत दमदार प्रोडक्ट आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इस वजह से इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा संभावना है, तेज़ी बड़ी ज़्यादा होने वाली है, तो आपको इस समय निवेश करना चाहिए। तो IT के बेस्ट स्टॉक में आप चुन के आप निवेश कर सकते हैं। उनकी तरफ से आपको IT के बहुत सारे शेयर सजेस्ट किए गए और कितनी उसमें ग्रोथ की संभावना बन रही है वो भी आपको बताया गया और साथ में उनकी तरफ से कहा गया है कि निफ्टी 2022 में 17,200 का स्तर छू सकता है। तो आपको बिल्कुल निवेश करना चाहिए और बिल्कुल बुलिश है उस मार्केट को लेके और आपको इस समय निवेश कर लेना चाहिए और आने वाले समय में बड़ी तेज़ी की संभावना बन सकती है। फिलहाल बाजार के लिए जो सबसे जो माइनस पॉइंट है वो है कोरोना के बढ़ते मामले, जो भय का वातावरण बना रहे हैं, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसी वजह से बाजार का थोड़ा सा सेंटीमेंट डर जैसा बन रहा है और साथ में बॉन्ड यील्ड का जो मामला है उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ, वरना सब कुछ पॉजिटिव है और रिजल्ट का दौर शुरू होने वाला है और रिजल्ट दमदार आएंगे और इसका सीधा फायदा मिलने वाला है हमारे बाजार को। लगातार अच्छी रिजल्ट आएंगे तो तेज़ी बाजार में जरूर बनेगी और FII का अभी भी पॉजिटिव रुझान हमारे बाजार की तरफ बना हुआ है, तो यहाँ से अब उनकी अभी भी निवेश चालू है और उनके एग्जिट होने की संभावना कम है, तो बाजार में तेज़ी बनेगी। लेकिन ज़रूरी है कि थोड़े कोरोना के जो मामले हैं वो कम हो जाए तो हमारे बाजार के लिए एक अच्छी सी बूस्ट बन सकती है, लेकिन फिर भी मामला तेज़ी का बन रहा है। आपको निवेश के लिए इस समय आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए बाजार का। फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर अभी तक आपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलवाया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है बहुत सारे अच्छे ब्रोकर की, आप वहां पर जाके सिलेक्ट करके कारोबार शुरू कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल बहुत ही पुराने और माने हुए रेपुटेड ब्रोकरेज फर्म है, वहां पर आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। साथ में एंजल ब्रोकिंग ऐप जो बहुत ही पुराने हैं और हिंदुस्तान के माने हुए ब्रोकर है और उनकी तरफ से बहुत ही शानदार सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, आपको असिस्टेंट भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो आपको हर तरह से गाइड करते हैं। और साथ में नए ज़माने के आप स्टॉक है जो बहुत ही शानदार सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके चार्जेस थे लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने चार्जेस सब खत्म कर दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अकाउंट खोल के दे रहे, तो आप वहां पर जाके अपना अकाउंट खोल के उनकी सर्विस का मजा ले सकते हैं। साथ में एलिस ब्लू की तरफ से भी बहुत सारे ऑफर दिए जा रहे हैं, एडलवाइज ने भी बहुत सारी अच्छी स्कीम निकाले हुए, तो आप अपने हिसाब से अच्छा एक ब्रोकर चुन के कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।